हेलो फ्रेंड्स, आप सभी क्लास 10th के एग्जामिनेशन की तैयारी कर ही रहे होंगे और टाइम टेबल भी सीबीएसई ने आपको दे ही दिया है। और आप जानते हो इस बार टाइम टेबल बड़ा अच्छा बना है क्योंकि एग्जामिनेशन प्रीपोन हो चुकी है, फरवरी से शुरू हो जाएगी और आपका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है 12 मार्च को। दैट मीन्स काफ़ी जल्दी होने वाला है और एग्जामिनेशन भी काफ़ी जल्दी कंक्लूड होगी। सीबीएसई का बेसिकली ये मानना है कि वो चाहते हैं कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित करें ताकि क्लास 11 की पढ़ाई के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और क्लास 12 भी जल्द से जल्द पढ़ी जा सके। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आती है हमारी धड़कनें बढ़ जाती है, हमें लगता है कि पढ़ाई तो हमने सारी कर ली है पर फिर भी एक अजीब सा डर आपके मन में रहता है। आखिर होना भी चाहिए क्योंकि फोबिया सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए ही माना जाता है। कभी लैंग्वेज को लेकर या सोशल साइंस को लेकर फोबिया आपने नहीं सुना होगा। और मैथमेटिक्स का फोबिया केवल आपको नहीं होता है, आपके पेरेंट्स को भी होता है। जब आपके हाथ में टाइम टेबल आता है तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स आपके ज़रूर पूछते होंगे मैथमेटिक्स का पेपर कब है। दूसरा सवाल, पेपर है तो उसके पहले कितनी छुट्टियाँ हैं। मानो पूरे साल भर का मैथ्स उन छुट्टियों में ही पढ़ना हो, जबकि मैथमेटिक्स के लिए आपको पूरा साल भर डिवोट करना होता है ना। अब आपने मान लीजिए पूरे चैप्टर पढ़ लिए हैं, फिर भी क्या होता है जब आप पेपर देने के लिए एग्जामिनेशन में जाते हो दोस्तों, तो 3 घंटे के समय आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। सब्जेक्ट भी ऐसा है ना जिसमें सारे ही प्रॉब्लम्स हैं, फाइन, और वहाँ पर आप थोड़े से डिप्रेशन में चले जाते हो। ऐसे में जो सवाल आपको बहुत अच्छे से आते भी है आप गलतियां कर बैठते हो, जिन्हें आप सिली मिस्टेक कह देते हो और अवॉइड करने लग जाते हो। आपने 60 मार्क्स का पेपर अगर अटेम्प्ट करा है, आप घर आके बताते हो मुझे 55 ही आएंगे क्योंकि आपने 5 मार्क्स खुद काट लिए। अब सवाल ये है कि आखिर ये गलतियाँ होती कौन सी हैं और कॉमनली हमारे देश के बच्चे क्लास 10th के एग्जामिनेशन में कैसी कैसी गलतियाँ करते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसे नॉट ओनली आपको नोट डाउन करना है, या मैं तो कहता हूँ अच्छे से समझना है कि ऐसी गलतियाँ आप ना करें। और ये जितने मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा ये एक्चुअल फोटोग्राफ से जो बच्चों की कॉपीज से लिए गए हैं और पूरे ऑथेंटिफिकेशन आपको बताने जा रहे हैं कि ये गलतियाँ जनरली स्टूडेंट्स ने करी है। क्योंकि जब हम दूसरों की गलतियाँ देखते हैं तब हम भी ये सीख पाते हैं कि अरे ऐसी गलतियाँ तो हमें नहीं करनी है। कहा जाता है ना कि हमें केवल अपनी ही गलतियों से नहीं सीखना चाहिए, हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। क्योंकि दूसरों ने अगर गलतियाँ कर दी है तो हम ऐसी गलतियाँ नहीं करें तो बेटर होगा। चलिए दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपको बहुत मदद करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन। फाइन, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड्स विच इज 80 meters वाइड। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degrees and 30 degrees respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. CBSE 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि एक रोड के साइड में अगर दो पोल्स लगाए गए हैं और बीच में किसी पॉइंट से ऑब्जर्व करा जाए तो डिफरेंट एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया थोड़ा सा बड़ा होने के कारण हो सकता है किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई होगी, है ना। स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम से बहुत डरते हैं। अब देखिए जो बच्चों ने इसे करा है उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ, देखिए मिस्टेक्स क्या थी। वो स्टूडेंट ने क्या करा, पहले बात तो डायग्राम नहीं बनाया, द हाइट ऑफ द पोल ओके गिवन कर दिया, वन पोल इज 60 degrees, सेकेंड पोल इज 30 degrees, रोड वाइड 80 degrees, वन पोल प्लस टू पोल 60, 30, 90। और अल्टीमेटली ये जो एग्जाम्पल ये बता रहा है कि बच्चे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है, मतलब कम्प्लीटली लॉस हो चुका था सिग्नल्स का। एक तरह देखा जाए एग्जामिनेशन टाइम पे कई बार ऐसा होता है ना, आप जो क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आपको लगता है हम कर लेंगे बट व्हेन यू स्टार्ट आप भूल जाते हो। तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, डायग्राम प्रॉपर बनाते नहीं है। डायग्राम बनाने न बनाने का कारण क्या होता है कि उनका इमेजिनेशन प्रॉपर फिट नहीं हो पाता है क्वेश्चन को, फिर उन्हें बराबर ट्राइंगल्स देखते नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है वो प्रॉपर उसमें लगा नहीं पाते। अब ऐसे अगर आप एग्जामिनेशन में लिखोगे तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी समझ में ही नहीं आई है शायद, है ना। तो ऐसा तो खैर हमें नहीं करना है, पर चलिए देखते हैं इसका आखिर सॉल्यूशन क्या, हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, देखते हैं। Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSE. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSE Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSE
of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSE. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci code of NTSE. So subscribe to NTSE Guru if you want NTSE specific concept lecture, fantastic course material, state of the art practice videos, and very finely drafted All India test series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSE. Best of luck. सॉल्यूशन देखिए करेक्टली कैसे होता है. पहले तो हम सही डायग्राम बना लें. आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लोली पढ़िए कि एग्जैक्टली सामने वाले ने हमें क्या दिया है. टू पोल्स बोला है अक्रॉस 80 मीटर वाइड रोड. आप सिंपल एक लाइन सेगमेंट बनाइए, उस पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए एंड टू पोल्स दे आर ऑफ इक्वल हाइट. फाइन. अब उस रोड पर कोई पॉइंट है तो वहां से अगर उन दोनों के टॉप को देखा दोस्तों, यहां पर क्या होता है कि 30-60 जो एंगल दिया है, यू शुड बी अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट इफ द पॉइंट इज नियर टू सर्टेन पोल, अगर वो उसके पास में है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा और जिस पॉइंट से वो दूर है एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ पर कम होगा. तो अगर अपने पॉइंट को जैसे डीबी के पास में मैंने लिया है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और अगर इससे दूर हुआ है तो वो हो जाएगा 30 डिग्री. सही डायग्राम जरूरी है और सही डायग्राम में सही एंगल दिखाना बहुत जरूरी है. फिर आपने जबके पास ए बी की वैल्यू 80 है तो आपने डिक्लेयर कर दिया गिवन ए बी 80 मीटर. लेट ए पी पी जो पॉइंट बीच में है ए पी एक्स. नाउ देखिए विच एम्प्लाइज दैट का साइन है बी पी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. ओके. अब आपने ट्राइंगल डिक्लेयर करा इन ट्राइंगल ए पी सी 10 30 h/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3. तो आपके पास x का एक्सप्रेशन आ गया √3h. देखिए यहाँ पर आप क्लास 10th में ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप 10 30 1/√3 लिखते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, अगर ये स्टेप आपने स्किप भी कर दी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु छोटी छोटी स्टेप्स से कोई मार्क्स एग्जाम में नहीं कटेंगे. मैंने सीधे लिख दिया एक्स रूट थ्री एच, इसे इक्वेशन मैंने 1 दे दिया. फिर इन ट्राइंगल बी पी डी द अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, वहाँ पर 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर एच. अब बेस जो है वो 80 माइनस एक्स है. ओके. 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h/√3. इक्वेशन नंबर 2. 1 से जो एक्स की वैल्यू है वो आपने रखी सब्स्टिट्यूट करी इक्वेशन 2 में, और इस तरह आपने सबसे पहले h निकाल लिया. h की वैल्यू 20√3 आ चुकी है. ओके. और फिर उस h की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपको x मिलेगा. अब आपके पास h और x जब दोनों आ चुके हैं, कई बार होता है बच्चे यहीं पर आकर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं. दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनेशन में आपको आखिरी में लास्ट में ये डिक्लेरेशन करना होगा कि आपने जो सपोज करा है h और x वो बेसिकली क्या थे. देखिए हमने यहाँ पर लिखा कि हाइट ऑफ द पोल इज 20√3 meters एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वन पोल इज 60 मीटर. तो आपने यहाँ पर क्या नोट डाउन करा, एक तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डायग्राम के मार्क्स भी होते हैं अलग से. ट्राइंगल प्रॉपर डिक्लेयर करें, वैल्यू डिक्लेयर करी, दोनों ट्राइंगल को डिक्लेयर करा यहाँ पर, विच एम्प्लाइज्ड का प्रॉपर साइन यूज करें. ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये आपको याद रखना पड़ेगी कि इतनी मिनिमम स्टेप्स तो मुझे करनी है, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है या 4 मार्क का. सीबीएसई ने नंबर ऑफ स्टेप्स भी कुछ फिक्स कर दिए है. दैट मीन्स उनका कहना है कि 8 to 10 स्टेप्स बहुत होती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. आप अननेसेसरी बहुत सारे स्टेप्स करने से कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए, है ना. तो यहाँ पर आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में बच्चे क्या करते, डायग्राम गलत बनाते या बना ही नहीं पाते, और फिर वो क्वेश्चन को कुछ तो भी दिशा में ले जाते कारण नहीं उनका आंसर नहीं आता है. ये तो था ट्रिग्नोमेट्री का एक एग्जाम्पल. अब देखते हैं हम एक और ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल या कोई और चैप्टर का जिसमें बच्चे ने एक अजीब तरह की गलती करी है, और उस गलती से फिर हम कुछ सीखेंगे. सब्सक्राइब टू NTSE गुरु YouTube चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू लेक्चर्स. सो द क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 टेन 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसे बेसिकली इवैल्यूएट करना है. दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हर साल आता ही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का जो टारगेट होता है वो ये होता है कि क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आता है या आपको वैल्यूज याद है, जो कि आपने सीखा होगा, है ना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री. ये चार्ट आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी, है ना. तो उस चार्ट से आपको सीधे वैल्यू उठानी है और इस एक्सप्रेशन में रखनी है. लेकिन कभी कभी होता क्या है, स्टूडेंट्स अजीब तरह की गलतियाँ कर बैठते हैं और ऐसे में बड़ी मुश्किल हो जाती है उन्हें मार्क्स दे पाना.
आखिर हमारे हम टीचर्स की ये इच्छा रहती है दोस्तों कि हम आपको अच्छे नंबर दें, पर सवाल यह है कि आपने सही लिखा हो तो किसी भी स्टेप में अगर थोड़ी भी गुंजाइश होती है मार्क्स देने की तो सीबीएसई में आपको मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अब जो बताने वाला हूँ वैसी गलती अगर आप करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई मार्क्स मिल पाएंगे। चलिए देखते हैं आखिर स्टूडेंट ने कैसी गलतियाँ करी। यहाँ पर स्टूडेंट ने क्या करा, क्वेश्चन तो लिख लिया साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 टेन 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30। अब उसने क्या करा, इज इक्वल टू लगाकर वो क्वेश्चन फिर से लिखा और सारे एंगल को एक तरफ कर दिया और साइन टेन और कॉस इन फंक्शन को राइट हैंड साइड भेज दिया, जो बेसिकली पॉसिबल नहीं है। कई बच्चों को लगता है कि कॉस 30 मतलब कॉस इंटू 30 डिग्री, जी नहीं, कॉस उस एंगल पर लगाया गया एक फंक्शन होता है जिसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं देखा जा सकता। इन्होंने तो पूरे एंगल से उधर एंगल साइड में रख दिए और फंक्शन उधर भेज दिए, उसके बाद बुरी तरह से कैलकुलेशन करा गया है, अचानक उनके जो टेन है वो गायब हो गया है और फाइनल आंसर लाने तक तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो चुका है। हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, साइन कॉस टेन वगैरह ये तो लिखते हैं लेकिन थीटा लिखना भूल जाते हैं। आइडेंटिटी पूरी लिखी साइन स्क्वायर, अब होती क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सूर्य ने क्या लिख दी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिना एंगल का कोई मतलब नहीं रह जाता, ये ठीक उसी तरह है जैसे गर्दन और बाकी धड़। तो अगर आपने सिर्फ कॉस टेन साइन लिख दिए है, थीटा लिखना भूल गए और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, आपको कोई नंबर मिलने वाले नहीं है। तो आप प्लीज एंगल को और इन फंक्शन को अलग अलग न करें। सही तरीका क्या है आप भी सब जानते हो, आइए देखते हैं सही सॉल्यूशन इसका कैसे होता है। साइन स्क्वायर 60 टू टेन 45 आपने लिखा, इसके बाद एक्चुअल जो वैल्यूज है वो डिक्लेयर कर दी, जैसे साइन 60 रूट 3 बाय 2 होता है, टेन 45 1 होता है, कॉस 30 रूट 3 बाय 2 होता है। कई बार क्या होता है कि आप डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करने जब जाते हो तो आप गलतियां कर बैठते हो, तो आपने एक्चुअल वैल्यूज लिख ली फिर उन्हें सब्स्टिट्यूट करा प्रॉपरली, रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर करा, 2 इंटू 1 करा टेन 45 रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर और फाइनली आपका आंसर आया, क्योंकि रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर दो बार है प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आया 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2। तो कितना सिस्टमेटिकली यहाँ पर कराएं कि जो वैल्यूज आपको चाहिए साइन 60 की, टेन 45 की, कॉस 30 की, तो ये वैल्यू आपने पहले एक्चुअली लिख ली, फिर गिवन एक्सप्रेशन में इन वैल्यूज को रखा और फिर बड़े आराम से अलजेब्रिकली उसे सॉल्व करा। आपने देखा कि दो कंपोनेंट एक जैसे आ रहे हैं वो भी विद डिफरेंट साइन, आपने उन्हें कैंसिल कर दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्लीज ये ध्यान रखना है कि वैल्यूज आप एक तो सही ले नंबर वन, नंबर टू उनका सब्स्टिट्यूशन आप अच्छे से करिए। अगर स्क्वायर करना है तो स्क्वायर जरूर करिए, ध्यान रखिए क्या मिल रहा है, कुछ कैंसिलेशन हो रहा हो तो कैंसिल कर दीजिए, अगर नहीं तो प्रॉपर एलसीएम लेकर उसके फाइनल आंसर तक पहुंचिए। क्योंकि ये इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, हम भी जानते हैं कि बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कराना ज़रूरी होता है, उन्हें ये पता होना चाहिए, पर अगर आपने वैल्यू सही रखी है और उसके बाद अगर आप कैलकुलेशन में गलतियाँ करेंगे तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। दैट मीन्स जो 10 क्लास में सीखा वो आपको अच्छे से आता है वैल्यू कैसे देखना, और जो बेसिक्स आपने पहले पढ़े एलसीएम लेना वगैरह आप उसमें गलतियाँ कर रहे हो, तो इसका आप ध्यान रखें, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस तो आपको पता ही होगा, क्योंकि तीन केसेस बनते हैं लीनियर इक्वेशन में जिसमें आपको कुछ खास कंडीशंस पता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन की। जब यहाँ पर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया ही है तो आप सही कंडीशन लिखने के बाद वैल्यू पुट अप करोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स की गलतियाँ कैसे होती है, आप में से कई लोग ऐसी गलतियाँ जरूर करते होंगे। आप देखिए सूरन ने क्या करा कि दोनों इक्वेशन से A1, B1, C1, A2, B2, C2 तो सही निकाल लिए। ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि x और y के कोफिशियंट सही तरह से ले लेना। कई बच्चे क्या करते हैं कोफिशियंट में भी x और y ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। कंडीशन भी बिल्कुल सही लिखी, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। वैल्यू भी सही सब्स्टिट्यूट करी, पर गड़बड़ कहाँ हो गई पता है, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर कैंसिल कर दिया, ठीक है 2 × 10 कर दिया, और फिर जो फ्रैक्शन आया उसके बाद के की वैल्यू आगे निकाली गई, जो कि पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर कहाँ गलती हुई आप खुद सोचिए, क्या बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता था, पता था। क्या बच्चे के पास A1 B1 C1 एट्रीब्यूटर C2 की वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल थी। अब जब उसने फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो करना क्या है,
उसे बेसिकली इस फ्रैक्शन को अच्छे से सॉल्व करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इवन हमने तो ये भी देखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, जैसे 2/k और k अपॉन 3 आ रहा, मान लीजिए इक्वल में, तो k इंटू k, k स्क्वायर लिखने के बजाय 2k लिख देते, ऐसा कई बार कॉपी में देखा गया है। मतलब स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एरर करते हैं, है ना। अब सही सॉल्यूशन क्या, ये आपको पता ही होना चाहिए, आइए देखते हैं सही सॉल्यूशन क्या। दोस्तों क्वेश्चन में आप इक्वेशन दिए, आप इक्वेशन को या तो फिर से लिखिए या वो भी कोई जरूरत नहीं है। आप लिखिए द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज, दैट इज वेरी सिंपल, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, फाइन। अब जो इक्वेशन दी है आपको, पहले तो देखिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, अगर हाँ इज इक्वल टू जीरो दोनों में है तो ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की करेक्ट वैल्यूज आप विथ देयर साइन ले लीजिए। जैसे सी वन माइनस के है और सी टू माइनस थ्री है, बच्चे क्या करते हैं साइन लेना भूल जाते हैं, है ना, फिर तो गलत ही आंसर आने वाला है। अब आपने कंडीशन में उन वैल्यूज को रखा, 5/10 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू माइनस के बाय माइनस थ्री, माइनस माइनस कैंसिल हुआ। अब हमने के बाय थ्री को कंपेयर किया 1/2 से मिडिल फ्रैक्शन से, और के की वैल्यू आ गई 3/2। कितना सिंपल ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर कुछ भी टेंशन नहीं है। अगर आपको कंडीशन याद है दोस्तों तो आपको सिर्फ उसमें वैल्यूज रखनी है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है। ये सवाल मैं इसलिए कहूँगा एग्जामिनेशन में आते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एक तो बच्चे को कंडीशन याद है कि नहीं ये भी चेक हो जाता है, दूसरा वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या करेक्ट इवेल्यूएशन स्टूडेंट कर पाते ये भी चेक हो जाता है। जब सीबीएसई का टारगेट होता है कि आपसे क्या बेसिकली उनको पूछना है, तो वैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर दो तीन कॉन्सेप्ट लग जाए। इवन मैं तो कहता हूँ इस क्वेश्चन को टफ और बनाया जा सकता है, अगर ये कोफिशियंट्स हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कर दें, सिर्फ के की जगह पे 2k-1 अगर मैं कर दूँ या कुछ और कर दूँ, तो होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी कुछ इक्वेशन जनरेट होगी और वो इक्वेशन फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगी। तो आप थोड़े से अलर्ट रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी कुछ गलतियाँ नहीं होगी, इसकी गारंटी हम भी आपको दे पाएंगे, है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया था, इफ x इज इक्वल टू 7/2 y इज इक्वल टू 11/2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x + 2y + k इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नाउ इट इज सो सिंपल क्वेश्चन दैट कि क्लास 9th में भी अगर आपको दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कोई इक्वेशन दी है उसमें आपको x और y की वैल्यू पुट अप करना है अगर वो सॉल्यूशन है तो, और अननोन कांस्टेंट निकालना है। लेकिन देखिए क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी कैसे अजीब गलतियां करते हैं इतने सिंपल क्वेश्चंस के लिए भी, आइए देखते हैं बच्चे ने क्या करा। स्टूडेंट ने x और y की वैल्यू तो लिख ली, है ना, टीचर ने राइट भी वहां लगाया। अब 2x + 2y + k = 0 इक्वेशन लिखी, प्रॉपर x की y की वैल्यू तक पुट अप करी, यहां तक भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 7/2 का 2 कैंसिल होगा, 11/2 का 2 कैंसिल होगा, लेकिन आगे क्या हुआ आप जानते हो, 7 + 11 जो बच रहा है जिसका आंसर आना चाहिए 18, स्टूडेंट ने लिखा है 77। देखिए दोस्तों 7 + 11 और इसका आंसर क्या आ रहा है 77, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, k की वैल्यू माइनस 77 लिख दिए, क्वेश्चन खत्म। ऐसे में बच्चे को ऐसा लगता है कि मैंने बिल्कुल सही करा है, घर पे आके आप बताते भी हो पेरेंट्स को कि मम्मी या पापा मैंने बहुत अच्छा करा है, लेकिन एग्जाम में जब हम कॉपी चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी ब्लंडर मिस्टेक बच्चे ने करी है, एडिशन की जगह पर मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या ये आप जानते ही है, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन में भी हमें देखना है सही वैल्यू पुट अप करी 7/2 11/2 2 कैंसिल करने के बाद 7 + 11 जो कि 18 आएगा इज इक्वल टू माइनस 18। कितना सिंपल सोबर क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ डर लगता है आपको या पता नहीं क्या हो जाता है, वहाँ जाकर आप भूल ही जाते हो कि आप क्लास 10th में हो और क्लास 6-7 के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट में आप गलतियाँ करने लग जाते हो, जो कि बहुत ही रिडिकुलस है। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, अपने मिस्टेक्स दूसरों को दिखाने के हिसाब से मत करिए कि दुनिया सीखे, आपको ही गलतियां कम करनी पड़ेगी ताकि आपकी कॉपीज इतनी आइडियल हो जाए कि सीबीएसई जब आपको फुल मार्क्स आएंगे तो सीबीएसई अपने पोर्टल पर आपकी कॉपी को स्कैन करके अपलोड करेगी। दैट मीन्स आप कैसे लिखते हो और आपको जब फुल मार्क्स मिले हैं तो पूरा देश पूरे स्टूडेंट्स ये देखकर सीखेंगे अगले साल कि वाओ कितना अच्छा इस बच्चे ने लिखा है, काश मेरी भी राइटिंग ऐसी हो, काश मेरा भी सॉल्यूशन ऐसा हो, है ना। तो आप दूसरों के लिए कैसे एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, एक नेगेटिव एग्जाम्पल या एक पॉजिटिव एग्जाम्पल। अभी जो आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ ये एक तरह से नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं, हम गलतियाँ देख रहे लोगों की, जबकि हमें क्या देखना चाहिए कि सही क्या होता है, हम इतना अच्छा लिखेंगे एग्जामिनेशन में, है ना।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है. फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल. यहाँ पर एक पॉलीनोमियल दिया है 9x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 35x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 4 इफ टू ऑफ इट जीरोज आर 2 एंड माइनस 2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. दो जीरोज दिए जाते हैं, पॉलीनोमियल की डिग्री कितने दिए 4. अब जितने डिग्री होती उतने जीरोज होते हैं. अगर दो जीरोज दिए हैं तो दो जीरोज पता लगाने. फाइन, अब स्टूडेंट को देखिए, मैं जो एग्जांपल बताने वाला हूँ उस बच्चे को क्वेश्चन कैसे करना है ये पूरी तरह आता था, है ना. आप भी कई बार क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको लगता है ये क्वेश्चन हमने कई बार कराए, डेफिनेटली हम कर लेंगे. लेकिन जब करने बैठते हैं तो क्या गलतियाँ होती हैं, आइए देखते हैं. जब ये क्वेश्चन बच्चे ने एग्जाम में करा तो उसने 2 और माइनस 2 वैल्यू तो सही ली. अब जब x इक्वल टू 2 लोगे तो एक तरफ आके x माइनस 2 हो जाएगा, और अगर x माइनस 2 लोगे तो x प्लस 2 हो जाएगा. आप जानते हो जो x की वैल्यूज है जब उन्हें हम एक लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो हमें x प्लस 2 और x माइनस 2 से फ्रैक्शंस मिलते हैं. ये दोनों बेसिकली गिवन पॉलीनोमियल के फैक्टर्स होंगे. अब इनका मल्टीप्लीकेशन करने से भी फैक्टर होगा, जैसे 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3, है ना. अब 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी करता है, और 3 2 जा 6 करे तो ये भी डिवाइड करता है. दैट मीन्स इनका मल्टीप्लीकेशन करना होगा. अब हुआ क्या कि स्टूडेंट ने देखा कि x प्लस 2 और x माइनस 2 है, मतलब ये a प्लस b और a माइनस b है. इसकी आइडेंटिटी बच्चे ने क्या लिखी, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत है. और फिर करा क्या, उसने x प्लस 2 को होल स्क्वायर कर दिया, आया भी उसका एक पॉलीनोमियल x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, बिल्कुल सही फॉर्मूला यूज करा. डिवाइड करना है, उधर भी गलती कर दी. जो पॉलीनोमियल उसका आया था वो प्लस 2x आया था, डिवाइड करते समय वो माइनस ले लिया, मतलब यहाँ पर भी गलती. डिवीजन चालू करा और डिवीजन पूरी तरह से गलत करा है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो लाया गया है, ये आ नहीं सकता. इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि बच्चे को क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना ये नहीं आता था. उसको आता था, लेकिन देर वर 2-3 कन्फ्यूजन्स. एक तो आइडेंटिटी गलत निकली, फिर जो पॉलीनोमियल बनाया वो तक जैसा बनाया वैसा डिवाइड करते समय लिया नहीं, और फिर डिवीजन भी फाइनली रॉन्ग करा. तो आप भी ध्यान रखिए, डिवीजन भी सही आना चाहिए और जो डिवाइजर है वो भी सही बिल्टअप होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व करा जा सकता है. आइए देखते हैं सही सॉल्यूशन क्या है ना. डेफिनेटली पहले पॉलीनोमियल पी एक्स डिक्लेयर कर लिया जाए, क्योंकि गिवन सीधे सीधे पॉलीनोमियल दिया है. अब आप जानते हो कि हमें पॉलीनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पी ऑफ एक्स. जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल सही पॉलीनोमियल लिखा, नंबर वन. नंबर टू, नाउ बिकॉज 2 एंड माइनस 2 आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, ये x की वैल्यूज है, सीधे सीधे लिखा x प्लस 2 एंड x माइनस 2 विल बी द फैक्टर्स. अब यहाँ कितने ब्यूटीफुली आपको समझाना है कि px अगर डिविडेंड है तो x प्लस 2 x माइनस 2 दो फैक्टर होंगे, और एक और फैक्टर होगा qx, क्योंकि उन्हीं के मल्टीप्लीकेशन से px बना होगा. फाइन, अब जब हमें इस x माइनस 2 x प्लस 2 का प्रोडक्ट मिल जाएगा वो होगा x स्क्वायर माइनस 4. x स्क्वायर माइनस 4 जो कि a प्लस b इंटू a माइनस b का रिजल्ट है, उससे आप करोगे उस पॉलीनोमियल को डिवाइड. आपने डिवाइड करा, आपका रिमाइंडर आया जीरो. ठीक है, अब जब रिमाइंडर जीरो आया तो आपके पास जो कोशेंट बचा वह 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1. इस कोशेंट को बेसिकली आपको फर्दर फैक्टराइज करना है, और फर्दर फैक्टराइज करने के बाद में आपके पास जो आंसर आएगा वो ये होगा. तो क्यू एक्स के जो फैक्टर्स होंगे, देखिए 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 अपने पास है, जो कि क्लियरली 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर है. दैट मीन्स उसी का दो बार मल्टीप्लाई करके वो बना होगा. अगर आप दोनों को जीरो से कंपेयर करोगे तो आपके x की जो वैल्यू जाएगी वो 1/3 आएगी. इसका मतलब ये रिपीटेड जीरोज हैं. तो अब आपने क्या करा, आप ऐसा भी लिख दे तो कई बार देयरफॉर 1/3 इज द रिमेनिंग जीरो. नहीं, अगर वो रिपीटेड है तो आप प्लीज अच्छे से लिखिए द अदर जीरोज आर 1/3, 1/3. इसका मतलब इस पॉलीनोमियल के चार जीरोज हो गए, हमें 2 और माइनस 2 दिए थे, और हमने बाकी जो 2 कैलकुलेट करे वो रिपीटेड आ गए 1/3, 1/3. इस तरह ये क्वेश्चन पूरा होता है ना. तो यहाँ पर कितने कॉन्सेप्ट लगे, देखिए आपको जो जीरोस दिए थे उन्हें प्रॉपर मल्टीप्लाई करके आपको पॉलीनोमियल बनाना है, पहला कॉन्सेप्ट. नंबर टू, वो जो आपने पॉलीनोमियल बनाया है उससे गिवन पॉलीनोमियल को आप डिवाइड करोगे, मतलब आपका डिवीजन एल्गोरिथम बहुत अच्छा होना चाहिए. नंबर थ्री, डिवीजन जब अच्छा होगा तो कोशंट है वो सही आएगा. कोशंट को अब आपको फैक्टराइज करना है प्रॉपरली. अगर फैक्टराइजेशन आपका अगर पुअर है तो आप यहाँ पर भी गलतियाँ कर दोगे. इस तरह अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो 1 मार्क सही डिवाइजर बनाने के, 1 मार्क डिवाइड करने के, और 1 मार्क फैक्टराइज करके सॉल्व करने के. अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो 0.5 मार्क डिवाइजर बनाने के, ओके 1.5 मार्क आपको मिलेंगे डिवाइड करने के, इन्हें बेसिकली डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल के, ये हो गए टोटल आपके पास 2 मार्क्स, और 1 मार्क प्रॉपर फैक्टराइजेशन,
और 1 mark आखिर में declaration कि आपने चारों roots या required 2 zeros को बताया है या नहीं। तो ये बहुत important question है और ऐसे question को लेकर कई बार मैं देखता हूँ बच्चों confidence बहुत अच्छा रहता है लेकिन जब exam में आता है तो वो गलतियाँ कर बैठते हैं, है ना। चलिए देखते हैं next question हमारे पास क्या है। वो हमने लिया रियल नंबर चैप्टर से। अब ये चैप्टर ही कई बार बच्चों को टफ लगता है। ये चैप्टर टफ नहीं है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने के कारण बच्चों को उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657। दैट मीन्स आपको ऐसा नंबर ढूंढना है छोटे से छोटा जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर पाए। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मैं नंबर सेलेक्ट करता हूँ 6। ओके, अब 6 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 एज वेल एज 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 3 से कितना नंबर डिवाइड हो सकते हैं एक साथ, तो 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है। दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो मिनिमम है वो 6 आंसर है। मतलब बच्चे को करना क्या है, बच्चे को निकालना है उसका LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और LCM निकालना है कि HCF निकालना है, यही बहुत मेजोरिटी में गलतियाँ होती हैं। अब देखिए अब बच्चे ने क्या किया, आइए देखते सॉल्यूशन उसने क्या करा। नंबर्स लिख लिए, सबसे पहली बात तो उसे ये कन्फ्यूजन हो गया कि LCM निकालना था कि HCF, उसने निकाल दिया HCF। HCF के लिए उसने ये भी देखा कि 657 बड़ा है 306 से, डिवीजन चालू कर दिया, डिवीजन चालू करा पर हुआ क्या, उसका कोई मतलब नहीं बचता है, मिसकॉन्सेप्शन हो चुका है। यहाँ पर LCM करना था लेकिन उसने निकाल दिया HCF। अब HCF सही भी निकालो तो क्या फ़ायदा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ऐसे लिखना है महात्मा गांधी पे और आप लिख के आ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू पे, तो उसके क्या आपको मार्क्स मिलेंगे। टोटल डिफरेंट आइडेंटिटीज़ है, अरे आपको जो पूछा है उसी का आंसर आपको लिखना है, न कि अपने मन में जो आता है वो लिख के आ जाए, है ना। अब इसका सही सॉल्यूशन क्या, आइए देखते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने 306657 करा, इसके प्राइम फैक्टर्स आपने कर लिए, तो प्राइम फैक्टर्स 2, 3, 3, 17 और 3, 3, 73, और जो कॉमन फैक्टर्स है बेसिकली उन्हें ले लिया और जो अनकॉमन है उन्हें भी ले लिया, क्योंकि LCM में आपको नॉट ओनली कॉमन फैक्टर्स देने बट ऑल्सो आपको अनकॉमन फैक्टर्स भी लेने। तो टोटल मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो 2238, दैट मीन्स 22338 इज द राइट आंसर। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय the given two numbers and that is the LCM. So please real number chapter में आप word problem को ध्यान से पढ़िए, NCERT को strictly follow करिए, NCERT exam पर आप देखिए और आप ये judge करना सीख जाइए कि LCM लेना है या HCF, है ना। ये misconception बहुत बच्चों को है और फिर और CBSE से सवाल देती है, definitely उन्हें जो गलतियाँ expected वो करते वो हो जाती है और number कट जाते हैं, है ना। अगला सवाल देखते हैं हम, ये लिया हमने coordinate geometry से, very popular chapter. Find the area of the triangle whose vertices are given as 1-1, -4, 6 and -3, -5. ये तो आप जानते ही है कि ट्राइंगल का फॉर्मूला आपके पास है ना। फॉर्मूला लर्न कर ले, यही बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद उस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। अब दो तरह की गलतियाँ जनरली इसमें पाई जाती है, नंबर वन ये तो फॉर्मूला याद नहीं है, नंबर टू वैल्यू रखने में गलती करी या ब्रैकेट सॉल्व करने में गलती करी। अब यही मिस्टेक हमारे पास इस बच्चे की है, आइए देखते हैं वो क्या मिस्टेक। इन्होंने भी x1 x2 x3 y1 y2 y3 तो डिक्लेयर बड़े अच्छे से कर दिए, लेकिन फॉर्मूले में वैल्यू रखते समय ये गड़बड़ कर दी कि इन्होंने 1/2 की जगह 1/3 ले लिया। चलो ये तो गलती है ही, अब इनकी मेजर गलती क्या मालूम है, इन्होंने पहले फार्मूला नहीं लिखा। दोस्तों मैंने आपको बताया है बेसिकली कि CBSE में फार्मूले के मार्क्स तभी मिलते हैं जब उसमें वैल्यू रखी जाए। अगर आप बिना फॉर्मूले के वैल्यू डायरेक्ट पुटअप कर दोगे तो उल्टा मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर इस बच्चे को वैसे भी मार्क्स कम मिलते क्योंकि फॉर्मूला लिखा नहीं था, और जो यूज़ करा है वो भी गलत यूज़ करा है। अब वो भले ही अंदर कैलकुलेशन बिल्कुल सही कर रहा है वो हर जगह, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब पूरा आंसर अंदर आएगा वो जब 1/3 करेगा तो आंसर बिगड़ जाएगा। इसका मतलब कई स्टूडेंट्स को फॉर्मूला ही याद नहीं होता है, फिर वैल्यू पुटअप करने की तो बात ही नहीं होती है। पर सही सॉल्यूशन क्या आप जानते हैं, आइए देखते हैं। प्रॉपर पॉइंट्स ले लिए ABC, ये कई बच्चे नहीं करते। आपने x1 y1 बोला तो उसको डिक्लेयर करा कि 1, -1 है, फिर आपने x2 y2 लिया वो -4, -6 है, आपने x3 y3 लिया जो कि -3, -5 है। पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आप किसे मान रहे हैं, फाइन। फिर आप सही फार्मूला लिखेंगे,
k area of triangle half of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, और ये modulus में है, okay, mod में आपके पास अंदर सारी values आ चुकी है। अब क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है तो 48 आंसर आया, डिवाइड बाय 2 यानी 24, आगे लिखा है स्क्वायर यूनिट, दैट मींस यूनिट का भी खास ध्यान रखिए। आप देखिए कि इस पूरे एक्सप्रेशन में हर जगह प्रॉपर इक्वल साइन ली गई है, ओके, वैल्यूज जब तक सॉल्व हो रही है करी और आखिरी में जाकर उसको विथ यूनिट डिक्लेयर कराए। इस पर्टिकुलर कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्राइंगल पर एक क्वेश्चन आना तय है, वो यही देखना चाहते हैं कि आप एग्जामिनेशन टाइम में क्या उतने ही कूल होकर उसे सॉल्व करते। और कई बार ऐसा होता है ना कि देते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स आर कोलिनियर, फॉर्मूला तो ये यूज होगा है ना, बस फर्क इतना पड़ता है वहाँ इज इक्वल टू आप जीरो लेते, तब भी हमने देखा है कि स्टूडेंट्स ब्रैकेट सॉल्व करने में गलतियाँ करते थे, है ना। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। सिंप्लीफाइंग ब्रैकेट ही है बेसिकली, मैं यही दिखा रहा था आपको। जैसे आप देखिए यहाँ पर 2 इंटू 3x प्लस 5 बच्चे को करना था, रेड कलर से एरो भी बनाया टीचर ने कि 2 जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 3x लिखा, क्या पता शायद मल्टीप्लाई नहीं करा। अच्छा 2 इंटू 5 करना था, वो आना चाहिए 10, वो भी मिसिंग है, दैट मीन्स इन्होंने 2 का मल्टीप्लाई तो शायद ब्रैकेट में करा ही नहीं, रादर अब करा क्या है, आप ध्यान से देखिए इसको कि 3x अपनी जगह है, 5 अपनी जगह है, जो राइट हैंड साइड का 2x है वो अचानक जंप करके लेफ्ट हैंड साइड आ गया, जो इधर मल्टीप्लाई में 2 है वो डिवाइड में जा सकता था उसे कैंसिल करने के लिए, पर नहीं, ये डायरेक्टली वहाँ चला गया, अब ना माइनस 2 करा ना कुछ, मतलब मल्टीप्लीकेशन को एज इट इज ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद 3x प्लस 2x जरूर 5x कराए और 2 माइनस 5, ओ माई गॉड, मतलब ब्रैकेट सॉल्यूशन में बच्चों की गलतियाँ, जिसे आप सिली मिस्टेक कहते हैं, बच्चों प्लीज़ मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ब्रैकेट सॉल्विंग नो डाउट बड़े आसान सी बात है, लेकिन आप वहाँ पर एग्जामिनेशन में प्रेशराइज होकर ऐसी गलतियाँ ना करें। तो ब्रैकेट सॉल्विंग का मैंने आपको कई बार अलग अलग जगह एग्जाम्पल दिया और ये सीधे सीधे उसी का एग्जाम्पल था जो किसी क्वेश्चन का पोर्शन हो सकता है। यहाँ हमें यही देखना है कि जब ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं तो प्रॉपरली मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। आइए एक सवाल और ले लेते हैं। यह है हमारे पास ऑजीव, आप देख सकते हैं ऑजीव कैसे बनाया इस बच्चे ने, अजीब सा जिगजैग डायग्राम है। अब आपको लेस देन मोर देन टाइप ऑफ ऑजीव एग्जामिनेशन में आते हैं ना, दोनों ही अलग अलग तरह के होते हैं, एक जो नीचे से ऊपर जाता है और एक ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। लेस देन टाइप ऐसा अपवर्ड जाएगा और मोर देन डाउनवर्ड आएगा। अब होता क्या, जो गलती आपसे होती है वो होती ये है कि जब लेस देन मोर देन एक साथ पूछे जाते हैं तो आप में से कई बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ पर सब पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। अब सब पॉइंट्स आप प्लॉट कर दोगे तो आप ये भूल जाओगे किसको किससे जोड़ना है और फिर इस तरह का आपको जिगजैग डायग्राम मिलेगा। दैट मींस हो सकता है उस बच्चे को क्वेश्चन पूरा आता हो, उसने पॉइंट्स भी सही ले लिए, लेकिन उसको ज्वाइनिंग करते समय गड़बड़ कर दी और रैंडमली कोई भी पॉइंट ज्वाइन कर दिए। देखिए यहाँ पर पॉइंट्स आपको प्लॉट तो करना ही है जो कि क्लास 9th में आपने सीखा है, लेकिन लेस देन टाइप ऑफ कर्व को आप पहले बना लीजिए, फिर मोर देन टाइप ऑफ कर्व को आप बनाइए। ये दोनों कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी दोस्तों, वही आपका मीडियन का हिंट होगी और वहाँ से आपको ड्रॉप करना है परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और अजीव एग्जामिनेशन में आएगा, स्किल बेस्ड क्वेश्चन में आता है, स्पेशली ग्राफिकल स्किल्स की बात करते हैं हम, जैसे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है ऐसा ऑजीव बनता है, तो ये एग्जामिनेशन में आएगा। आप इस तरह प्लीज ग्राफ मत बनाना, सिस्टमेटिकली बनाना, है ना। सो द क्वेश्चन इज इवेल्युएट साइन स्क्वायर 19 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री। ये क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट का, है ना। यहाँ पर आपको मालूम है कि आइडेंटिटी लगने वाली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। लेकिन देखिए स्टूडेंट कैसी कैसी गलतियाँ करते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ। बच्चे ने क्या करा कि साइन स्क्वायर 19 प्लस साइन स्क्वायर 71 तो ठीक है, उसमें से साइन स्क्वायर ले लिया कॉमन, दैट मीन्स 19 प्लस 71 ये हो गया 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, आंसर भी आ गया 1। अब हुआ क्या, आंसर तो सही है लेकिन मैथड लेकिन बड़ी गड़बड़ है। ये तो ठीक वैसा ही है कि 64 अपॉन 16 लिखा, 6 से 6 कैंसिल, बचा 4, आंसर आया 4, आंसर तो सही है लेकिन मैथड बड़ी गड़बड़ है। देखिए दोस्तों ये सिंपल से क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एक एंगल को उसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट में कन्वर्ट करना है और उसके साथ साथ उसका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो सही सॉल्यूशन क्या, आइए देखते हैं कि साइन स्क्वायर 19 प्लस साइन स्क्वायर 71 अपने पास जो है, 71 बेसिकली 90 माइनस 19 ही होता है ना। तो आपने 71 की जगह करा 90 माइनस 19, तो आपके पास आ गया साइन स्क्वायर 19 प्लस कॉस स्क्वायर 19 और इसकी वैल्यू होगी 1,
दैट इज द राइट वे ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन. मतलब आप चाहे तो 71 को 19 में कन्वर्ट कर सकते हैं या 19 को 71 में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो या कॉस को थीटा प्लस साइंस को थीटा आ जाए या साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा आ जाए, वैल्यू तो वन आनी है. तो सही कन्वर्शन आप करना सीखिए. ये गलतियाँ कई बार हमने एग्जामिनेशन में देखी. तो अब तक मैंने आपको अलग अलग टॉपिक्स से एग्जाम्पल्स ले लेकर स्टूडेंट से गलतियाँ बताई और सही कैसे करते ये भी सिखाया. अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स हमें कौन सी याद रखनी है. मस्ट ड्रॉ करेक्ट डायग्राम्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सही डायग्राम्स बनाइए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. हैव अ साउंड प्रैक्टिस ऑफ ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स ऑल्सो. कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट ज्योमेट्री के डायग्राम भी गलत बनाते हैं. अब ज्योमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, बिना डायग्राम के भला कभी करी जा सकती है सही? और चलो सही हो भी जाए तो आपके डायग्राम्स के मार्क्स कट जाएंगे, है ना. यूज ब्रैकेट्स एज मच एज पॉसिबल इफ यू आर नॉट गुड एट सिंप्लीफिकेशन. हमने देखा है कई बार मल्टीप्लीकेशन आप गलत कर देते हैं, तो आप प्लीज ब्रैकेट का यूज करिए. जितने ब्रैकेट लगाओगे उतना ही आपके लिए आसान होगा फैक्टराइज करना, सिंप्लीफाई करना. मस्ट बी स्लो एट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये भी आपको पता है. अब भले ही आप टेंथ में आपको अच्छे से आता है, पर आप प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते समय, एलसीएम लेते समय बहुत ध्यान रखिए. अवॉइड डूइंग शॉर्टकट्स इन कैलकुलेशन, है ना. आप में से कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट कुछ तो भी मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपको लगता है कि अरे वाह मेरा कैलकुलेशन बहुत फास्ट है. नो डाउट होना भी चाहिए आपका कैलकुलेशन फास्ट, पर ओवर कॉन्फिडेंस की कोई गुंजाइश वहाँ पर मत रखिए. आराम से सॉल्व करिए, थोड़ा सा स्लो हो जाइए जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड लास्ट बी श्योर एट द ग्राफ, दैट मीन्स ग्राफिकल स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, चाहे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हो या वो स्टैटिस्टिक्स का ग्राफ हो. तो दोस्तों मिस्टेक्स इन मैथमेटिक्स के थ्रू आपने ये समझा कि चैप्टर्स के क्वेश्चंस करते समय हम किस तरह की गलतियाँ एग्जामिनेशन में करते हैं. और हमने आपको जो एग्जाम्पल्स बताए वो आप ही में से कुछ बच्चों की कॉपीज के डायरेक्ट फोटोग्राफ्स थे. दैट मीन्स आपको समझना होगा कि जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करें तो थोड़े से स्लो हो जाइए, सिस्टमेटिक हो जाइए. 3 घंटे सफिशियंट टाइम सीबीएसई ने आपको दिया है, आप आराम से उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं. आप ही में से तो कुछ बच्चे होते हैं जिनके फुल मार्क्स आते हैं, और मैं तो चाहूँगा आप सभी के फुल मार्क्स आएँ. इस बार क्यों ना आप एक नेशनल रिकॉर्ड बनाएं कि सीबीएसई के काफ़ी सारे बच्चों के फुल मार्क्स आए, इसका भी एक रिकॉर्ड बनाया जा सकता है ना. सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन. थैंक यू.